मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 11th IIT's लेवल 3 में यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ डाटा एंड कंप्यूटर के अंदर सेशन नंबर 3 बायोमेट्रिक डाटा में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशंस ऑफ बायोमेट्रिक डाटा। बायोमेट्रिक डाटा की क्या क्या सीमाएं हैं उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है बायोमेट्रिक डाटा रिकॉग्निशन सिस्टम सपोर्ट फॉर मैन लिमिटेशंस। जो बायोमेट्रिक डाटा रिकॉग्निशन सिस्टम है जिसके द्वारा बायोमेट्रिक डाटा रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें वो काफ़ी सारी उसकी सीमाएं रहती हैं, लिमिटेशंस रहती हैं जिससे वो सफ़र होता है। कुछ जो लिमिटेशन जो सीमाएं हैं नीचे इसमें दिखाई गई हैं। चेंज जैसे चेंज इन द फेस ड्यू टू इंक्रीज इन द एजिस, मतलब फेस में आपको पता ही है टाइम टू टाइम फेस में जो चेंजेस आते रहते हैं, जो झुर्रियाँ पड़ती रहती हैं, उसे जो बायोमेट्रिक कैप्चर किया होता है बाद में उसमें फेस में चेंजेस आने नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। चेंजेस टाइम टू टाइम समय के अनुसार हर पर्सन के फेस में चेंजेस आते रहते हैं, झुर्रियाँ पड़ती रहती हैं। कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक डाटा रिक्वायर द फिजिकल कंटेंट्स। अगर हमने बायोमेट्रिक डाटा किसी को कलेक्ट करना है तो हमें फिजिकल कंटेक्ट चाहिए होंगे, मतलब फिजिकली कंटेक्ट करके फिंगर के द्वारा, अगर फिंगर का बायोमेट्रिक डाटा हमें लेना है तो फिजिकल कंटेक्ट का करके ही हम डाटा हम ले सकते हैं, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर कर सकते हैं। रिजेस ऑन द फिंगर्स गेट इरेज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और जो फिंगर्स पे जो रिजेस रहते हैं, जो भी झुर्रियाँ रहती हैं, जो भी लाइनें रहती हैं, उस पे लकीरें रहती हैं फिंगर्स के ऊपर, वो समय के अनुसार कम होने शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होने शुरू हो जाती हैं। ब्लर फेस मेजिस कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट फेस मैचिंग। जो फ्लर, अगर हमने ब्लर फेस लिया हुआ है, पिक्चर क्लियर नहीं है उसकी इमेज, हमने फेस उस फेस को हमने कैप्चर किया हुआ है बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, तो वो भी डाटा अगर फ्यूचर में हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा अगेन, तो कई बार मैच नहीं करता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, लिमिटेशन रहती हैं। वेरिएशन इन लाइटिंग कंडीशंस क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मैचिंग ऑफ द फेसेस। कई बार जो लाइटिंग कंडीशन रहती है, जब बायोमेट्रिक डाटा हम किसी पर्सन का फेस का कैप्चर करते हैं, जो जिस तरह की लाइट पड़ रही है उस समय, जब हम फेस बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा फेस का डाटा कैप्चर कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, एक्यूरेट फेस का अगर इमेज कैप्चर करने में हमें प्रॉब्लम आती है, वो भी कंडीशन डिपेंड करती है, लाइटिंग कंडीशन कैसी है। एक्सीडेंटल डैमेज टू द आईज कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन इरिश फॉर आई कॉग्निशन। जो एक्सीडेंटल डैमेज भी कई बार आईज में हो जाता है, तो आईज में फ़र्क हो जाता है, आँख की पुतली में फ़र्क आ जाता है, उसमें भी आईज को रिकोगनाइज करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा आइज को रिकोगनाइज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। द वेरिएशन इन द सिग्नेचर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हर पर्सन का साइन करने का जो तरीका है समय के अनुसार चेंज होना शुरू हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। मेडिकल प्रॉब्लम्स और एक्सीडेंटल इंजरीज कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बिहेवियरल बायोमेट्रिक डाटा। जो मेडिकल प्रॉब्लम रहती है, जैसे एक्सीडेंट इंजरीज हो जाती है, हमें बॉडी किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो चेंज हो जाता है, बॉडी पार्ट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उससे भी उस पर जब बिहेवियरल डाटा हम जब कलेक्ट करते हैं उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है। बायोमेट्रिक सिस्टम रिक्वायर्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और बायोमेट्रिक सिस्टम मतलब अगर हमने कोई बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहेगी, कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीड टू बी मेंटेन्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और उसकी मेंटेनेंस भी, प्रॉपर मेंटेनेंस भी हमें करनी पड़ेगी कंप्यूटर सिस्टम की समय टाइम टू टाइम। बायोमेट्रिक सिस्टम इज ऑनलाइन सिस्टम ऑफ विच द डाटा मस्ट बी सिक्योर्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। तो हमें ऑनलाइन डाटा, जब हम उस जब ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा भी डाटा हम कैप्चर करते हैं तो उसे भी हमें सिक्योर रूप में रखने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी मेजर हमें अपनाने पड़ते हैं, प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं, तभी हम डाटा हम एक्यूरेटली सिक्योर मेथड से डाटा हम कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डाटा। इन बायोमेट्रिक सिस्टम द इनपुट डाटा स्टोर्ड इन इज लोकल डाटा। तो बायोमेट्रिक सिस्टम में डाटा हम जो इनपुट जो डाटा हम कैप्चर करते हैं किसी पर्सन का जब स्टोर करते हैं तो उसको लोकल डाटा कहा जाता है। द बायोमेट्रिक डाटा सच एज फेस इमेज, फिंगरप्रिंट इमेज और सिग्नेचर इज ऑफ द पीपल हु इज एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी पर्सन का डाटा, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन का डाटा लिया जाता है, फेस इमेज लिया जाता है, फिंगरप्रिंट इमेज लिया जाती है, सिग्नेचर लिया जाता है किसी पर्सन का,
ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो होता है वो आपका लोकल डाटा होता है। सच डाटा कैन बी कॉल्ड एज डोमेस्टिक डाटा, उसको हम डोमेस्टिक डाटा कहते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन का डाटा लिया जाता है, उसकी फिंगर का, फेस का, सिग्नेचर का डाटा उसको कैप्चर करके रखा जाता है तो उसको डोमेस्टिक डाटा कहा जाता है। फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सच डोमेस्टिक डाटा वी कैन यूज़ ग्लोबल डाटा फॉर मैचिंग पर्पज़। उसके बाद हम इस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं ग्लोबल डाटा मैचिंग के साथ। अगर हमने ग्लोबल डाटा के साथ इस डाटा को मैचिंग करना है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया में उदाहरण के लिए आधार कार्ड आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिटीजन, मतलब आधार कार्ड हर पर्सन का बनाया जाता है। एवरी सिटीजन गेट्स ए यूनिक आधार नंबर, और हर पर्सन को एक यूनिक आधार नंबर दिया जाता है। व्हेन दिस पर्सन वांट टू ओपन ए बैंक अकाउंट, अगर वो कोई पर्सन जो है जिसका आधार कार्ड बना हुआ है वो बैंक में अकाउंट खोलना चाहता है, हिज और हर डाटा क्रॉस वेरीफाइड विद द कंसर्न आधार कार्ड, तो क्या होता है उसका जो डाटा वो देता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्रॉस वेरीफाई किया जाता है उस आधार कार्ड के डाटा से। आधार कार्ड का डाटा जो ग्लोबली स्टोर किया गया है गवर्नमेंट के सर्वर पे, उससे उस डाटा को मैच किया जाता है, तभी वो वेरीफाई होता है कि आधार नंबर उसका सही है, तो पर्टिकुलर पर्सन का आधार नंबर है। इन दिस सिनेरियो आधार डाटा स्टोर्ड ऑन द गवर्नमेंट सर्वर सच एज ग्लोबल डाटा एंड डाटा एंटर्ड बाय द कंसर्न बैंक टू ओपन अकाउंट बिकम्स अ लोकल डाटा। अब जो इस सिनेरियो में क्या है, जो आधार डाटा है जो स्टोर्ड है गवर्नमेंट सर्वर पे उसको ग्लोबल डाटा कहा जाता है, और जो डाटा एंटर्ड ज़्यादा डाटा जो एंटर किया जाता है कंसर्न बैंक में अकाउंट खोलने के लिए उसको हम लोकल डाटा कहते हैं। दिस प्रोसेस कैन सेव टाइम, ऑथेंटिकेशन इज डन एट हाई स्पीड। इससे क्या होता है हमारा समय बचता है ऑथेंटिकेशन में, किसी पर्सन को ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिफाई करने में हमारा समय बचता है।